गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। सो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे ब्रांच से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि इस समय ग्रुप ए में टॉप ब्रांचेस कौन सी है, आपको किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक करना चाहिए, कौन सी ब्रांच आप लोगों के लिए बेस्ट होगी, यही इन्फॉर्मेशन मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रुप ए में इस समय टॉप ब्रांचेस कौन सी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताने वाला हूं कि आप लोगों को किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक करना चाहिए, कौन सी ब्रांच आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि आखिर ये ब्रांचेस होती क्या है, आखिर ये ब्रांच होती क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ब्रांच के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको ब्रांच के बारे में पता नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे ब्रांच के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको यहां पे ग्रुप ए की कुछ टॉप ब्रांचेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर ये ब्रांच क्या होती है। तो देखिए जब आप लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और जब आप लोग काउंसलिंग करवाने के लिए जाते हैं, वहां पे आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी होती है कि आप किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, वहीं पे आपको ब्रांच सेलेक्ट करना होता है। तो आपको टॉप ब्रांचेस के बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ब्रांच के बारे में नहीं पता होगा तो आप लोग क्या करेंगे, कोई भी ब्रांच चूज कर लेंगे और आप यहां पे गलत ब्रांच भी चूज कर सकते हैं। और अगर गलत ब्रांच चूज कर ली ना तो आपके यहां पे जो 3 साल होंगे वो आपके बर्बाद हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, देखिए ग्रुप ए में जो आपकी मैक्सिमम ब्रांचेस होती है उनका जो कोर्स होता है, जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है। और ग्रुप ए में कुछ ब्रांचेस ऐसी भी हैं जिनका ड्यूरेशन, यहाँ पे जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 2 साल होता है, लेकिन मैक्सिमम ब्रांचेस जो होती हैं उनका ड्यूरेशन 3 साल का होता है, यानी कोर्स ड्यूरेशन आप लोगों का 3 साल होता है। 3 साल आपको यहाँ पे समय लगता है पॉलिटेक्निक करने में, यानी डिप्लोमा करने में। और अगर गलत ब्रांच चूज कर ली ना तो 3 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे। जब आप लोग पॉलिटेक्निक करके निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पे गलत ब्रांच चूज कर ली है, वो ब्रांच ही ट्रेंडिंग में नहीं है, तो फिर आपका ही नुकसान होगा। तो इससे अच्छा यहाँ पे ये समझ लीजिए कि टॉप ब्रांचेस कौन सी हैं और उन्हीं ब्रांचेस को आप लेने की कोशिश कीजिए, उन्हीं ब्रांचेस से आप पॉलिटेक्निक करने की कोशिश कीजिए ताकि आगे चल के आपको कोई नुकसान ना उठाना पड़े, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ब्रांच के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो अब मैं आप लोगों को यहां पे ग्रुप ए की टॉप ब्रांचेस के बारे में बताने वाला हूं जो इस समय टॉप पर है। तो देखिए इस समय ग्रुप ए में फर्स्ट नंबर पे आपकी कौन सी ब्रांच आती है, फर्स्ट नंबर पे आती है सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच। ध्यान रखिएगा ये इस समय फर्स्ट नंबर पे है, टॉप पे है। ग्रुप ए की सबसे बेस्ट ब्रांच इस समय सिविल इंजीनियरिंग की है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी कौन सी ब्रांच आती है, दूसरे नंबर पे आपकी ब्रांच आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। और थर्ड नंबर पे आती है यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। और इसके अलावा भी ग्रुप ए में बहुत सारी ब्रांचेस आप लोगों की हैं, कुछ अदर ब्रांचेस मैंने नीचे लिखी हुई है, अभी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की ब्रांच हो गई, ये भी ब्रांच आप लोगों की ठीक ठाक है, लेकिन टॉप 3 ब्रांचेस आप लोगों की यही हैं। देखिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच से एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके नंबर बहुत ही अच्छे होने चाहिए। जिन स्टूडेंट्स के नंबर अच्छे होते हैं उन्हीं को ये ब्रांच मिलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच जो कि दूसरे नंबर पे आती है, तो इसके लिए भी आपके नंबर
अच्छे होने चाहिए तभी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिलेगी। ये टॉप टू ब्रांचेस हैं इस समय की, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच में से कोई एक ब्रांच मिल रही है तो आपको इन्हीं दोनों में से सेलेक्ट करना है। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये दोनों ब्रांचेस नहीं मिलती तब आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जाना है। और देखिए अगर आपके नंबर थोड़ा कम होंगे ना फिर भी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल सकती है। और इस बार का तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया, एग्ज़ाम छोड़ दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है तो इस बार आप लोगों को कम नंबर पर भी ये सब ब्रांचेस मिल सकती हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बहुत ही जल्द कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना दूंगा जहां पे मैं आपको कैटेगरी वाइज डिटेल में बता दूंगा कि कितने नंबर पे आपको सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल सकती है या फिर कितने नंबर पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच या फिर कितने नंबर पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल सकती है। इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, हो सकता है मैं कल ही ये वीडियो बना दूं, ठीक है। तो देखिए ये टॉप ब्रांचेस के बारे में मैंने आपको बता दिया और ये भी मैंने आपको बता दिया कि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दिया है और फॉर्म भी कम फिलअप हुआ था तो इस बार कम नंबर पर भी आप लोगों को ये सब ब्रांचेस मिल सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ और ब्रांचेस के बारे में बता देता हूं। देखिए अदर ब्रांचेस में मैंने यहां पे लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो देखिए ये भी ब्रांच आपकी ठीक ठाक ब्रांच है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की ब्रांच लेते हैं तो देखिए ये जो ब्रांच है ना ये आपको कम नंबर में भी मिल जाएगी। मैं आपको पहले ही बता देता हूं अगर आपके नंबर थोड़ा कम है ना फिर भी आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की ब्रांच आपको मिल जाएगी आसानी से। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ब्रांच लिखी हुई है तो देखिए ये ब्रांच उतना खास नहीं है, ये ब्रांच आपको कम नंबर में भी मिल जाएगी अगर आपके नंबर 100 होंगे या फिर 100 प्लस या इससे कम में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल जाएगी जो कि इतनी खास ब्रांच नहीं है इस समय। मैं आपको यही कहूंगा कि ये ब्रांच आपको नहीं सेलेक्ट करनी है, नहीं तो फिर आगे आपकी मर्जी, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि इतनी खास ब्रांच ये है नहीं इस समय। आपको कम नंबर पर भी मिल जाएगी लेकिन खास ये नहीं है, ठीक है। उससे ठीक तो आपकी यहां पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की ब्रांच है, ये भी ब्रांच आपकी ठीक ठाक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पे मैंने आपको टॉप 3 ब्रांचेस के बारे में बता दिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि अगर हम लोको पायलट वगैरह का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो हमें कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, तो देखिए आपको तब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच सेलेक्ट करनी है या फिर आप मैकेनिकल की सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप लोको पायलट का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और रही बात सिविल इंजीनियरिंग की तो ये लोको पायलट के लिए नहीं होती है, ध्यान रखिएगा ये ब्रांच लोको पायलट के लिए नहीं है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करते हैं तो आप लोग जेई वगैरह का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन ये ब्रांच आप लोगों की लोको पायलट के लिए नहीं होती है। अगर आप लोको पायलट का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तब आपको यहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच लेनी है और बेस्ट तो आपकी यहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ही रहेगी, ध्यान रखिएगा। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपकी ऐसी ब्रांच है जहां पे बहुत सारी जॉब्स आती हैं आगे चल करके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सिविल भी आपकी वैसे ही है लेकिन मैकेनिकल उतनी खास नहीं है जितनी ये आपकी सिविल और इलेक्ट्रिकल बेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करके कहते हैं कि जब हम पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लेते हैं तो वहां पे कॉलेज में कुछ कंपनी आती हैं जो यहां पे जॉब वगैरह के लिए लेकर जाती हैं स्टूडेंट्स को, तो देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं वो सब कंपनी क्या होती हैं, वो प्राइवेट कंपनियां होती हैं। और अगर वहां पे आप जॉब करने के लिए जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप 1 साल जॉब कर पाएंगे या फिर 2 साल, फिर उसके बाद आपको निकाल दिया जाता है, तो ऐसी जॉब करने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में यह भ्रम आ गया है कि अगर हम टॉप कॉलेज में चले जाएंगे वहां से डिप्लोमा करेंगे तो वहां पे कंपनियां आती हैं हमें जॉब मिल जाएगी बड़ी आसानी से, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कंपनियां प्राइवेट होती हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 साल आप जॉब करेंगे, 2 साल, फिर उसके बाद आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, फिर आप
आपको वही दिक्कत होगी, फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और एक खास बात और बता दो कि ये मत सोचिएगा कि हमने पॉलिटेक्निक कर लिया, टॉप ब्रांच से कर लिया तो तुरंत हमें यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आगे चल के आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम बीट करना होगा। देखिए जैसे सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है, इसके लिए आप लोगों की जेई वगैरह की जॉब आती है, एसएससी जेई की जॉब आप लोगों के लिए आती है, तो वहां पे आपको एग्जाम बीट करना होगा। ये नहीं है कि आपने बस सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर लिया तो आपकी जॉब पक्की हो गई, ऐसा कुछ नहीं। पहले आपको कॉम्पिटिशन बीट करना होगा, एग्जाम क्लियर करना होगा, तब आपको जॉब मिलेगी। ये मत सोचिएगा कि सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर लिया 3 साल तो मुझे जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए देखिए आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, जब जॉब आएगी तो वहां पे आपका एग्जाम होगा, एग्जाम आपको बीट करना होगा, तब जाके आपको जॉब मिलेगी। और ये सभी ब्रांचेस के लिए है। अब जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करते हैं, आप लोगों पायलट का फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वहां पे आपको एग्जाम देना होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने यहाँ पे बस पॉलिटेक्निक कर लिया और आपकी जॉब पक्की हो गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखिए ये सिर्फ आपको यहां पे एक डिग्री मिलती है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भ्रम है कि टॉप कॉलेज से अगर हम करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छी, हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, और अगर हम नॉर्मल कॉलेज से पॉलिटेक्निक करेंगे तो हमें उतना फायदा नहीं होगा। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, टॉप कॉलेज और नॉर्मल कॉलेज, देखिए टॉप गवर्नमेंट कॉलेज और नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में कोई खास अंतर नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया हुआ है, ठीक है, कोई खास अंतर नहीं है। अगर आप टॉप कॉलेज से यहाँ पे पॉलिटेक्निक करते हैं तब भी आपको सेम वही डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, और अगर आप लोग नॉर्मल कॉलेज से डिप्लोमा करते हैं तब भी आपको सेम वही डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, कोई अलग अंतर नहीं होने वाला है। टॉप कॉलेज का स्टूडेंट जिसने पॉलिटेक्निक किया है वो भी सब फॉर्म फिलअप कर सकता है, नॉर्मल कॉलेज वाला भी फिलअप कर सकता है, और यहां तक प्राइवेट कॉलेज से अगर कोई पॉलिटेक्निक करता है तो उसमें भी कोई अंतर नहीं है, बस फीस का अंतर आता है। बस प्राइवेट कॉलेज में या फिर एडेड कॉलेज में थोड़ा फीस ज्यादा लगती है और डिग्री आपको सेम वही मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। तो देखिए अगर आपको यहां पे ये 3 ब्रांचेस में से कोई एक ब्रांच, देखिए पहले तो आपको ये दोनों पे फोकस करना है। अगर इन दोनों में से आपको कोई एक ब्रांच मिलती है तो तुरंत आपको ले लेनी है, कुछ नहीं सोचना, आपको इन्हीं दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। और अगर आपको ये दोनों ब्रांचेस नहीं मिलती तब आपको मैकेनिकल के लिए जाना है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में होता है। तो देखिए जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की ब्रांच है इसमें भी जॉब आती है, और देखिए इसमें मैक्सिमम जॉब्स आप लोगों की प्राइवेट जॉब यहां पे ज्यादा निकलती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, यहां पे प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा जॉब मिलती है, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है लेकिन प्राइवेट में ज्यादा होता है, तो आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने यहां पे बता दिया, अब जो अंतिम डिसीजन आपको लेना है कि आपको किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक करना है। और रही बात इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आपको नहीं सेलेक्ट करना है, और आगे आपकी मर्जी, अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझसे पूछेंगे तो मैं यहां पे नहीं कहूंगा, ठीक है। और देखिए मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं बहुत ही जल्द कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, और इस बार आप लोगों को अच्छी ब्रांचेस मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने एग्जाम छोड़ दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, और फॉर्म भी कम फिलअप हुआ है, तो इस बार मैक्सिमम चांसेस आप लोगों के हैं कि आपका एडमिशन अच्छी ब्रांच से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। और रही बात टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की, नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज की, तो इन सब के चक्कर में मत पड़िए, इन सब में कोई फर्क नहीं होता है, सब जगह आपको एक जैसी डिग्री मिलेगी। मैं आपको यह सजेशन दूंगा, अगर आप लोगों का एडमिशन अपने ही डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है और आपको अच्छी ब्रांच मिल रही है तो आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन ले लेना है, ज्यादा दूर जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर जाएंगे तो आपको वहां पे फिर हॉस्टल वगैरह लेना पड़ेगा, खाने पीने का अलग से आपका खर्चा लगेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे अगर आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिलता है तो आप ले लीजिए, बढ़िया घर से आप आराम से जाएंगे, बगल में आपका कॉलेज होगा, आराम से घर चले आएंगे, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। और अगर जानबूझ के दूर का कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहली बात आपको बाहर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर आपको
खाने वगैरह के लिए, फिर हॉस्टल के लिए आपको अलग से वहाँ पे अरेंजमेंट करना होगा, तो आपको दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा ये कीजिए, अपने आसपास का कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, बस गवर्नमेंट कॉलेज हो और ब्रांच आपकी अच्छी हो। और सबसे बड़ी बात, आपको ब्रांच पे ही फोकस करना है। अगर ब्रांच आपकी अच्छी होगी तो आपका पॉलिटेक्निक करना सफल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और गलत ब्रांच मत सेलेक्ट कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको कुछ नॉलेज नहीं होती है, बस वो क्या सोचते हैं कि बस किसी तरीके से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ब्रांच कुछ भी मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। देखिए, यहां पे सबसे बड़ी बात ब्रांच होती है, ब्रांच ही मैटर करती है। अगर अच्छी ब्रांच लेंगे तो आपका यहां पे समय जो आप 3 साल देंगे डिप्लोमा के लिए वो आपका सफल होगा। और अगर गलत ब्रांच ले ली, कोई भी ब्रांच ले ली बस गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में, 3 साल किया, फिर आपको पता चला कि ये ब्रांच तो बेकार है, डिप्लोमा करने का फिर आपका क्या फायदा होगा। अगर आपके नंबर बहुत ज्यादा कम है तो आप क्या कर सकते हैं, अगले साल ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, इस साल फिर आप एडमिशन मत लीजिएगा। और देखिए, मैंने आपको बताया कि कम नंबर में भी इस बार आपके चांसेस ज्यादा हैं एडमिशन होने के अच्छी ब्रांच से, तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले काउंसलिंग यहां पे स्टार्ट हो जाने दीजिए। मैं आपको बताऊंगा जिनके नंबर कम है कैसे आप लोगों को काउंसलिंग करवानी है, कैसे आपको कम नंबर में अच्छी ब्रांच मिल सकती है, ये इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी काउंसलिंग तक का वेट कीजिए, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही कुछ इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको बतानी थी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।